पिछले साल 2023 में 11 से 15 दिसंबर तक अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें AGU ने अपनी एक न्यू स्टडी के बारे में बताया, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन यानी कि AGU, जो इसी तरह की साइंटिफिक और अर्थ के एटमॉस्फेयर से जुड़ी चीजों पर स्टडी करती है, उनके वैज्ञानिकों ने सदर्न तिब्बत और हिमालय से कुछ सिस्मिक डेटा को कलेक्ट किया है, जिससे उन्हें यह चौंका देने वाली इन्फॉर्मेशन मिली है कि आने वाले समय में इंडियन सबकॉन्टिनेंट और तिब्बत के दो हिस्से होने वाले हैं। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्या होगा इसके परिणाम, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो इस पूरे मामले को समझने से पहले आपको अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। देखिए, हमारी अर्थ के नीचे कई सारी लेयर्स होती है। अब सबसे ऊपर वाली लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, उसके नीचे वाली को मेंटल कहते हैं और उसके नीचे है अर्थ का कोर। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच के लेयर को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये लिथोस्फीयर ही पूरी क्रस्ट को बेस प्रोवाइड करती है। लिथोस्फीयर के नीचे की जो लेयर होती है उसको अपर मेंटल कहा जाता है, यानी मेंटल की ऊपरी सतह। अब इसको एथनोस्फीयर भी कहा जाता है। तो ये जो अपर मेंटल होती है ना, ये ना तो पूरी तरह से सॉलिड होती है और ना ही पूरी तरह लिक्विड होती है, बल्कि ये एक सेमी लिक्विड मैग्मा के फॉर्म में होती है। अब जो अर्थ की कोर है वहां बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के चलते हीट जनरेट होता रहता है, जिसके चलते कन्वेक्शन करेंट्स का जन्म होता है और ये कन्वेक्शन करेंट्स अर्थ की कोर से मेंटल और वहां से ऊपर की तरफ क्रस्ट लेयर की तरफ आते हैं और धरती की सतह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते क्रस्ट की निचली लेयर यानी कि लिथोस्फीयर पर दबाव पड़ता है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। अब कई करोड़ों सालों से ऐसा होता आ रहा है और इसी के चलते हमारे अर्थ के लिथोस्फीयर टोटल 20 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इन्हीं 20 पार्ट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी उन्हीं में से एक है। तो देखो दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को ही टेक्टोनिक शिफ्ट कहा जाता है और उनके मूव करने का रीजन मैंने आपको अभी बताया कि जो अर्थ के कोर में हीट जनरेट होता है ना, उसके चलते कन्वेक्शन करंट बनता है और इसी के प्रेशर से ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है। अब जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं ये जब आपस में टकराते हैं तो यहाँ तीन में से एक चीज होती है। नंबर वन, सबडक्शन। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धस जाती है तो इसको सबडक्शन कहा जाता है। तो सबडक्शन जब होता है तो जो प्लेट नीचे धस जाती है उसमें ट्रेंचेस बन जाते हैं और ऊपर वाली प्लेट में फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। जैसे कि मरियाना ट्रेंच का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका निर्माण भी पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट और मरियाना टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने से हुआ था और इसीलिए मरियाना ट्रेंच के पास में कई सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स भी पाए जाते हैं और हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण भी ऐसे ही हुआ था, जिसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। नंबर टू, लेटरल स्लाइडिंग। देखो, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है और आपस में घिसने लग जाती है यानी कि स्लाइड करने लग जाती है तो वहां पर लेटरल स्लाइडिंग होता है। अब ज्यादातर भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के स्लाइडिंग करने की वजह से ही आते हैं। नाउ नंबर थ्री, स्प्रेडिंग। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा कर एक दूसरे को दूर धकेल देती है तो उस फेनोमेना को स्प्रेडिंग कहा जाता है। जब ये होता है तो मैग्मा धरती से बाहर आता है और वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलती है। स्प्रेडिंग के चलते ही वॉल्केनोस का निर्माण भी होता है। वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं और कई स्टडीज से भी ये पता चलता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स का ये मूवमेंट अराउंड 3.4 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था। उससे पहले सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे और उस एक कंबाइंड कॉन्टिनेंट को पैंजिया कहा जाता था और एक बहुत बड़े ओशियन से आपस में घिरे हुए थे, जिसको आज टेथिस ओशियन कहा जाता है। लेकिन फिर टेक्टोनिक प्लेट्स में कन्वेक्शन करेंट्स के चलते मूवमेंट होना शुरू हुआ। ये मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। एक साल में टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ सेंटीमीटर्स ही मूव करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब कई हजारों करोड़ों सालों तक ये मूवमेंट होता रहा ना, तो इसकी वजह से ही सभी कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए और वर्ल्ड का मैप पूरी तरह से बदल गया। स्टडीज के हिसाब से टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल 2 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक मूव कर सकती है, लेकिन ज्यादातर प्लेट्स का मूवमेंट ना हर साल 10 सेंटीमीटर से कम ही होता है। अब दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस टेक्टोनिक शिफ्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जियोलॉजिस्ट ने बहुत पहले ही दुनिया को बताया था, लेकिन तब दुनिया भर में उनका मजाक उड़ाया गया था और कोई भी इस कॉन्सेप्ट को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि सभी कॉन्टिनेंट सभी जमीनी हिस्से पहले आपस में एक ही हिस्से में जुड़ा हुआ था और फिर बाद में सब अलग हुए थे। तो सबसे पहले साल 1596 में एक स्पेनिश ज्योग्राफर अब्राहम ओर्टालियस ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के इस आइडिया को दुनिया के सामने रखा था और साल 1915 में इसी आइडिया पर रिसर्च करके एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट
अल्फ्रेड वेगनर ने एक स्टडी पब्लिश की जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अल्फ्रेड ने अपनी स्टडी में बताया कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव होने से ही दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स अलग हुए। हालांकि उस समय उनकी इस स्टडी को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव होने के पीछे कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर बाद में आर्थर होम्स नाम के एक इंग्लिश जियोलॉजिस्ट ने मेंटल कन्वेक्शन की थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, जिससे दुनिया को ये पता चला कि अर्थ की कोर में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनके चलते एक्सट्रीम हीट जनरेट होती है और वही ऊपर की तरफ आकर कन्वेक्शन करंट्स पैदा करती है जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती है। और तभी से ही प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कॉन्सेप्ट को दुनिया भर के वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। तो आई होप कि आप अब तक टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ी बेसिक बातों को समझ गए होंगे। तो अब हम अपने करंट मुद्दे पर आते हैं कि आखिर क्यों जियोलॉजिस्ट ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दो हिस्सों में ब्रेक होने की बात कही है। तो देखो, टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से करीब 140 मिलियन साल पहले इंडिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट हुआ करता था। फिर 120 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट अफ्रीका से टूटकर नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा 5 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से। और फिर 80 मिलियन साल पहले उसकी रफ्तार अचानक से बढ़ गई और इंडियन सब कॉन्टिनेंट 15 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से यूरेशिया की तरफ बढ़ने लगी। और करीब 40 से 50 मिलियन साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट टेथिस सी में 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस कवर करके यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर गया, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। आज यही हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर है। माउंट एवरेस्ट से लेकर कंचनजंगा और K2 जैसी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां सब हिमालय में ही पाई जाती है। हिमालय का साइज आज भी बढ़ रहा है, ये तो आपने सुना ही होगा, और इसका कारण भी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स ही है। दरअसल इंडियन टेक्टोनिक प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट से स्लोली कोलाइड कर ही रही है, जिसके चलते यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो रही है और हिमालयाज की हाइट लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी तक जियोलॉजिस्ट को इतनी जानकारी नहीं थी कि आखिर इंडियन प्लेट पर कोलिजन का क्या असर पड़ रहा है। लेकिन काफी लंबी रिसर्च करने के बाद पिछले साल ही अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन कॉन्फ्रेंस के दौरान जियोलॉजिस्ट ने यह बताया कि इंडियन प्लेट पर कोलिजन से भारी दबाव पड़ रहा है, जिस वजह से उसका ऊपरी हिस्सा टियर होता जा रहा है और निचला हिस्सा यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसता जा रहा है। यानी यहां पर सबडक्शन तो हो ही रहा था, लेकिन अब वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के टेक्टोनिक प्लेट्स का ऊपरी हिस्सा टियर भी हो रहा है, यानी टूट भी रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि यूरेशियन प्लेट जो है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से मूव हो रही है, जबकि इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से मूव हो रही है। यानी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक कंसिस्टेंट कोलिजन लगातार चला आ रहा है। और इसी के चलते जियोलॉजिस्ट को ये डर है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस प्रेशर के चलते इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से दूर खिसक जाए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशिया से टूटकर अलग हो जाए। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये है कि ऐसा होने में तो मिलियंस ऑफ इयर्स का टाइम लगेगा, लेकिन प्लेट्स का मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, तो फिर आखिर अभी से उसकी चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, राइट? वेल, देखो, इन दो टेक्टोनिक प्लेट्स के स्लो कोलिजन से जो प्लेट्स के कोलिजन पॉइंट के नजदीक की जगह है ना, जैसे नेपाल, तिब्बत और इंडियन स्टेट्स जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आने वाले सालों में भूकंप के भारी झटके देखने को मिल सकते। अब हिमालय के ये रीजन वैसे ही साल में काफी बार भूकंप का सामना करता ही रहता है, लेकिन अब जब इंडियन प्लेट के टियर होने की बात सामने आई है तो इससे समस्या और भी बढ़ सकती है। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वैसे आप ये वीडियो इंडिया के किस कोने से देख रहे हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहां रहते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो अपने स्टेट का नाम। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगेगी, जिसमें हमने बात किया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि आखिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इतना बुरा किसने बनाया, कैसे अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे गुरुकुल्स को बर्बाद कर दिए और अपना एजुकेशन सिस्टम यहां पर लाकर बैठा दिया ताकि हम उनके नौकर बन सके। यहां पर जाके क्लिक करो और पूरा सच जानो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।